प्रतिभा को एक मंच पर लाकर और उनका सहयोग करके उनकी प्रतिभा को संवार कर और इस देश के हित में और मानव समाज के हित में कार्य कर रहे हैं। निश्चित रूप से ऐसी संस्थाएं जिस तरह से मैंने सुना है कि इन्होंने वृद्धजनों के लिए भी एक आदर सम्मान के साथ एक बिल्डिंग बना रहे हैं। निश्चित रूप से इस संस्था में जिन्होंने अपना समर्पण आर्थिक सहयोग देकर और अपना शारीरिक मेहनत इस संस्था में देकर निश्चित रूप से आपने हमारे बुजुर्गों का सम्मान और हमारे आने वाले जो देश के गौरव है, हमारे समाज के गौरव है, उनको उनकी प्रतिभा को संवारने का भी जो काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से आपका ये सपना और आपका ये काम निश्चित रूप से हमारी इस मानव समाज के उत्थान के लिए आपका बड़ा योगदान साबित होगा। समर्पण संस्था जाति व धर्म से ऊपर उठकर पूरे मानव समाज के लिए एक प्रशंसनीय कार्य कर रही है। आज जिन विद्यार्थियों की सहायता की जा रही है, यही बच्चे भविष्य में समाज का गौरव होंगे। यह विचार समर्पण संस्था के शिक्षा दान महोत्सव में उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा ने व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि संस्था का निर्माणाधीन समर्पण आश्रय केयर भवन भी भविष्य में समाज के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस अवसर पर समर्पण प्रार्थना का उच्चारण कोषाध्यक्ष राम अवतार नागरवाल, अंजलि माल्या व स्वज्ञ माल्या ने कराया। महोत्सव में संस्था द्वारा चुने गए कुल 155 जरूरतमंद निर्धन विद्यार्थियों को फीस के चेक और शिक्षण सामग्री भेंट की गई। साथ ही सभी विद्यार्थियों को समर्पण आदर्श विद्यार्थी का कार्ड भी दिया गया। इस अवसर पर जरूरतमंद विद्यार्थियों की शिक्षा में सहयोग करने वाले संस्था द्वारा नियुक्त 51 एजुकेशनल एम्बेसडर्स को भी सम्मान पत्र भेंट कर सम्मानित किया गया। संस्था के संस्थापक अध्यक्ष आर्किटेक्ट डॉक्टर दौलत राम माल्या ने समर्पण आदर्श विद्यार्थियों को प्रेरणा देते हुए कहा कि कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, लगातार कोशिश से सफलता जरूर मिलती है। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि IAS सुबोध अग्रवाल, रावत एजुकेशनल ग्रुप के चेयरमैन BS रावत, प्रधान मुख्य सलाहकार व सेवानिवृत्त प्रधान आयकर आयुक्त अनिल कुमार जैन ने भी अपने अपने विचार व्यक्त किए। इस महोत्सव में लोक नृत्य सीताराम बेरवा द्वारा और लोक गायक वेदराज बेरवा ने बेटियों को शिक्षा के लिए प्रेरक लोकगीत प्रस्तुत किए। इस कार्यक्रम का मंच संचालन दूरदर्शन समाचार वाचक और वॉयस ओवर आर्टिस्ट गौरव शर्मा ने किया। कुतुब मेल के लिए आशा पटेल, जयपुर, राजस्थान। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।